आजकल कुछ भी बोलो तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना। खुशी और उदासी में सिर्फ स्टेटस अपडेट करने में लगे होते हैं लोग। बात जल्दी हवा में फैल जाती है और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वह बात भी आ जाती है जो आपने कही भी ना हो। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। हम ऐसे ही वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं यह तो सब ड्रामा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज़्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे, जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनना व्यर्थ है। क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। जीवन में परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन एक अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आपने भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहना है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल दोस्त, अक्सर मौका का फायदा उठा लेते हैं लोग। ना मांग कुछ जमाने से, यह देखकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरे हैं कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया है मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मेरा हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए,
तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी तो यह रही सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उस काम को करने में कभी शर्म मत करना। समझना समझाना हमेशा हमारे बस में नहीं होता, कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज़्यादा होशियारी और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास सदा हानिकारक ही होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, माँ की ममता और प्यार की क्षमता, दोनों का पता लगा पाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी अहम ना करो और वहम ना पालो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी बढ़ाने से अच्छा तो यह होता है कि हम किसी के गाँव पर पट्टी बांधना सीख जाए। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, मन से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वह हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है दुनिया का, यह दस्तूर बदलते क्यों नहीं। जिंदा से कहते हो चुप रहो और मुर्दों से कहते हो बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। वक्त देना अपने रिश्ते को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से कि मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलापन भरी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, या तो वह समझदारी होती है या फिर कोई मजबूरी। दुख है तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी किसी भरोसे के लायक नहीं रहा। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जमाना कितना बदल गया है आजकल, कहाँ किसी को कुछ कह सकते हैं।